Hi friends, it's me Tanya. Here is one more video of mine. Please see it and enjoy. Today we have come to vintage bike collection of Vineet Prabhakar. Vineet Prabhakar ji has more than 400 vintage bikes. In this collection, he has displayed 150 vintage bikes. And you know what? Most of these bikes are in running condition. This is a very nice collection. I recommend everyone to visit. We took more than 2 hours here to see the collection. There are so many bikes. And there are many kids' vintage bikes also. I thank Vineet Prabhakar ji for this great collection. You can see Vineet Prabhakar ji's name in Limca Book of Records. Here is the certificate from Limca Book of Records. We came to a vintage bike collection. Owner has 600 bikes and here only 150 are displayed. Now we'll go see the vintage bikes with the guide. I will show you all the vintage bikes and the guide will tell you all the information about them. फ्यूल खत्म हो गया तो आप पेंडल ये जो है हितोड़ी की है, जमशेदपुर में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 1970 में। हितोड़ी का इंजन निकाल के हिंद साइकिल, वो देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, वो मैन्युफैक्चरिंग किया मुंबई में। ये जो है एमटीएम की मयूरम मोपेड है, इसको देसी गाड़ी बोलते थे। 49 सीसी का इंजन आता है इसका। 49 सीसी। ये जो है BSA 1935 का मॉडल है ये सर, तो 350 सीसी का इंजन है इसका और 200 से ज़्यादा इसका वेट है और है ना सर 4 स्ट्रोक है ये सर। इधर सभी गाड़ी है ना और 2 स्ट्रोक है, मतलब ये 4 स्ट्रोक है और आगे आपको काइनेटिक की किंग और उधर वो देख रही है ना मैचलेस, वो ग्रीन कलर की वो भी 4 स्ट्रोक आपको मिलेगी इधर। और ये सभी देख रहे हैं ना हीरो का कलेक्शन है, स्टूडेंट के लिए बनाया गया था ये सभी। ये जो है हीरो शक्ति पूछ, आमिर खान की ऐड देखी होगी आपने, हीरो शक्ति पूछ आमिर खान की ऐड है ना। हाँ, तो वो 2000 का मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, मतलब 23 साल हो गए पर लेटेस्ट मॉडल। ये जो है NSUA जर्मन लेडीज़ के लिए बनाई गई थी और लेडीज़ को पसंद कलर पिंक था और स्टैंड भी डिफरेंट दिया था, उन्होंने स्टैंड भी डिफरेंट दिया था और पीछे एयर पंप दिया था उन्होंने।
पहले मोपेड का आता था पीछे एयर पंप, मतलब मोपेड का क्या होता था, पोल्यूशन नहीं होता था, अभी चाहिए ना वो पोल्यूशन वगैरह कम होगा। ये जो है पैजो की चाव है, चाव मतलब बाय बाय, तो पैजो की ये चाव है, इसके ऊपर इंस्पायर होके काइनेटिक ने वो लूना निकाली, वो पिंक ऑरेंज कलर, उसका डक जैसा शेप दिख रहा है ना, इसके वजह से उसको डक लूना कहते हैं। ये मॉडल नहीं आपको मालूम होगा, पर वो ग्रीन वाला है ना वो मालूम होगा। स्टॉप करिए। ये जो है अवंती कैलकुलेटर की स्कूटर है, अवंती के फीसर और ऑटो गियर ऐसे मोपेड्स आते थे, अभी भी आते हैं। अभी कैलकुलेटर के फ्रीज आते हैं ना, इसकी वजह से उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग रुकवा दिया है, पर बंद नहीं हुआ। ये जो है काइनेटिक स्पार्क है, लंबे रेस का घोड़ा उसको बोलते हैं इसको, ये है वो 80-90 का एवरेज देता है सर। ये जो है काइनेटिक सफारी, पूरा एक ही फ्रेम में बांधा गया है, किधर भी जॉइंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर कलर का दिख रहा है ना, वो एक रॉड है। ये जो है काइनेटिक किंग और काइनेटिक के फोर, ये लेटेस्ट मॉडल है, 2000 का मॉडल है। ये जो है गिलेरा है, इटली में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। इसकी सीट के नीचे उन्होंने दो टैंक दिए गए, एक एयर के लिए और एक फ्यूल के लिए, ऐसे दो दिए गए। ये जो है हीरो स्टाइलन 4 स्ट्रोक है सर, ये जो है हीरो होंडा की स्ट्रीट है विदाउट क्लच, मालूम है वो एडवर्टाइजमेंट आया था, क्लच दबा दिया था लोग। ये जो है होंडा की है 80cc, होंडा कब 80cc का इंजन आता था सर इसका, और MAT जैसा लुक है इसका, MAT मालूम हो गया। हाँ, ये जो है ना, ये फाइबर की बॉडी आगे दी गई है, वो है ना MAT जैसा लुक आता था, मेटल फाइबर की थी, पर MAT नहीं। ये जो है होंडा हबिट, होंडा मतलब जैपनीज मॉडल रहता था, तो ये जो है होंडा हबिट जैपनीज मॉडल है सर। अभी आपको रॉयल इनफील्ड की 350cc की बुलेट ही मालूम होगी, तभी रॉयल इनफील्ड ने 1982 में ये मोपेड निकाली थी, उसको मोफा कह देते हैं ये। तो इसके उसको ना उसके रॉड में ये फ्यूल टैंक उन्होंने दिया गया था, 1 लीटर फ्यूल आता था, फ्यूल ख़त्म होने के बाद पेंडल मार के आप घर जा सकते थे। बाद में रॉयल इनफील्ड ने ना ये स्कूटर निकाली, इसको फैंटाबुलस कहते थे, सेल्फ स्टार्ट थी, बटन स्टार्ट थी, तीन गियर, हाँ, ये सेल्फ स्टार्ट थी, और रॉयल इनफील्ड के उल्टे ब्रेक उल्टे गियर थे। हाँ, तो ये जो है वो गियर है, वो है ब्रेक है, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर और वो ब्रेक है, और फैट जैसा लुक है पीछे, देखो ना पुरानी गाड़ी आती थी फैट। ये जो है रॉयल इनफील्ड की बुलेट है, मिनी बुलेट नहीं पर सब बुलेट ही है, 150cc का इंजन है इसका। अभी राजू, आपको राजदूत की बाइक ही मालूम होगी, उधर है, उधर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये राजदूत की है ना स्कूटर है, इसको राजहंस कहते थे, बहुत चली गई। ये जो है बजाज चेतक है, 150cc का इंजन है सर इसका, पर है ना सर ये लोगों के पास अभी भी है, पर इसका टायर ना थोड़ा बड़ा है, और उधर सुपर दिख रहे आपको ना, उसका टायर छोटा है। ये जो है वेस्पा का, पेजो का मॉडल है वेस्पा, इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो प्रिया निकाली, प्रिया के बुकिंग पेंडिंग पे जाने लगे और स्ट्राइक होने लगा उसमें, तो है ना वो बजाज को मालूम पड़ा, इस वजह से बजाज ने ना वेस्पा का लाइसेंस निकल के वो बजाज ने 150 निकाली। सेम ही तीन है ना, ये सेम मॉडल है, सिर्फ लोगों में चेंजेस है। ये पेजो का पी है और प्रिया महाराष्ट्र की, इसके लिए महाराष्ट्र का लोगो, और वो बजाज की, इसके लिए बजाज का लोगो। ये बजाज कब इलेक्ट्रॉनिक, ये बजाज MAT। स्टॉप स्टॉप।
यमहा का कलेक्शन है, खास जापनीज लेडीज के लिए बनाया गया था क्योंकि जापनीज लेडीज की हाइट शॉर्ट थी ना, इसके वजह से। टोरोरोसो पर्ल यमहा वन सीटर यमहा, और वो आर्मी कलर है ना वो, तो वो ज़्यादातर जेंट्स ने यूज़ की क्योंकि उसकी फ्यूल टैंक आगे दी गई थी ना, इसके वजह से। ये आगे दिख रहा है वो सुएगा है, तो सुएगा महाभारत में एक कैरेक्टर था सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला, उसकी वजह से इसको सुएगा ऐसा नाम पड़ा। और इसके सीट के नीचे उन्होंने फ्यूल टैंक दी गई थी, तो लुक भी उसका अलग दिख रहा था। आगे जो रेड कलर की वो दिख रही है ना, दिस इज एमिटी, यू नो माई फादर्स फ्रेंड हैड दिस बाइक, हिज नेम इज अमीर रथ। सुएगा है मतलब है ना, यंग जनरेशन को बाइक का फील लेने के लिए ये बनाया गया था। सेम ही सुएगा का मोपेड, सुएगा का मॉडल है, सिर्फ बनाया गया था उन्होंने यंग जनरेशन को। वो जो वाइट कलर की दिख रही है ना, वो लैम्बी 48 है। तो उसका क्या होता था, उल्टे पेंडल मारो ना तो ब्रेक लगता था इसका। क्या इसके ऊपर इंस्पायर होके कोल्हापुर में किर्लोस्कर घाटगे पाटील है ना, उन्होंने ये लक्ष्मी निकाली, इसको कोल्हापुर की लक्ष्मी कहते हैं। 48 सीसी का इंजन है इसका, ये कोल्हापुर की लक्ष्मी और वो सातर की प्रिया ऐसा नाम दिया गया। ये जो है जावा 50 की स्कूटर रेट है, मतलब मोपेड भी नहीं आती और स्कूटर में भी नहीं आती, स्कूटर रेट में है। और ये HD जावा है, इसको आप फटफटी कहते थे, दूर रहती थी तो आप फटफट जैसा आवाज आता था, तो ये फटफटी है। डबल साइलेंसर था उसका और किक में ही गियर था, उल्टा करो तो हाँ। और ये जावा का इंजन लेके ये वो HD निकाली, और सिर्फ वो HD 60 CC की है और ये 49 CC की है। ये सभी दिख रहा है, वो लैमरेटा कलेक्शन है। ये इसके हैंडल में लॉक दिया था और हेडलाइट इसके नीचे दी गई थी। ये लैम्बी का कलेक्शन है सर, ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। ये पेंडल मार के चल सकते ये। ये जो है BSF बॉन्ड और BSF फाल्कन, ब्रुक बॉन्ड की छापत्ती आते है ना उनका है ये। अभी बॉन्ड्स की साइकिल्स आते हैं अच्छा। और फाल्कन के अभी टायर्स आते हैं, गोविंदा के पिक्चर में ज्यादा ये दिखे ये दिखता है। हाँ वही, और ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया था खास ये चलाने के लिए। और ये जो है छोटे बच्चों के लिए, रस्सी खींच इंजन को रहता है ना, रस्सी खींच ऐसा, तो ये फोर स्ट्रोक है मैम। ये जो है काइनेटिक का मॉडल है, फोर स्ट्रोक है। आई ऑल्सो नीड लाइक दिस स्मॉल बाइक। ये जो है काइनेटिक होंडा का सबसे पहले वाला मॉडल है, ये ज्यादा चला है, साइलेंसर गरम रहता था तो ज्यादा वेट करना पड़ता था। ये काइनेटिक का मॉडल है और थर्ड वाला मॉडल Y2K। आगे दिए गए वो एटलास के मोपेड्स है, एटलास के आगे साइकिल्स आते हैं, पावर किंग स्पीडोमीटर। ये जो है और जब रॉयल इनफील्ड था ना सर, तभी का कलेक्शन है ये। जुंडक का इंजन निकाल के एक्सप्लोरर को लगाया गया था, और ये 49 CC का है एक्सप्लोरर और जुंडक, और वो सिल्वर प्लस है ना वो 65 CC का है, खाली CC में फ़र्क है। वो 65 CC का है मैम। ये जो है गिरनार लियो और नर्मदा, गुजरात गवर्नमेंट की है। गिरनार लियो अहमदाबाद के एक इंजीनियर स्टूडेंट ने बनाया गया था, डिज़ाइन खूब ज़्यादा हेवी होने के कारण वो ज़्यादा चला नहीं। और नर्मदा ने डिट्टो कॉपी बजाज की थी, इसकी वजह से बजाज ने इनके ऊपर केस करवा दिया। अभी नर्मदा के फर्टिलाइज़र रहते हैं और गिरनार लियो की छापत्ती आती है।
ये जो 500 नंबर की तीन गाड़ियाँ दिख रही है ना, पुलिस अधिकारी है ना, उन्होंने डोनेट किए म्यूजियम को और अभी भी उनका कलेक्शन 500 से है। आगे दी गई है वो M50, ये M50 हाँ 30 cc का इंजन का फर्क है। ये जो है सनी का मॉडल है, सचिन तेंदुलकर की एड भी थी हाँ, उसके फाइबर की बॉडी आती थी, कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा ही यूज करते थे। ये जो है वेस्पा का सबसे पहला वाला मॉडल है, लेडीज के लिए बनाया गया था, ओल्ड एड भी थी उसकी, ये जो है इधर ही पीछे कैरी करने के लिए, और इसकी स्टेपनी आगे दी गई थी और व्हील के व्हील को ही हेडलाइट दी गई थी उन्होंने। ये फर्स्ट वाला मॉडल है और बाद में उन्होंने वो पैजो का वो दूसरा मॉडल वाला मॉडल निकाला। ये वन सीटर था ना इसकी वजह से, और वो टू सीटर। ये पैजो का कलेक्शन है, वन सीटर गिरलो के ये वन सीटर और डबल सीटर पैजो के अभी रिक्शा आती है सर। ये पैजो की है स्पोर्टिव इलेक्ट्रॉनिक। ये जो है सिजुकी का मॉडल है, जैपनीज लेडीज के लिए बनाया गया था, आगे कैरी करने के लिए कुछ होगा तो, और व्हील को हेडलाइट दी गई थी नीचे। ये जो है बॉबी राजदूत, डिंपल कपड़े और ऋषि कपूर का पिक्चर देखा होगा आपने सर, सागर के डिंपल कपड़े और ऋषि। GTS 175 था पर बॉबी पिक्चर में ज़्यादा ही फेमस हो गया, इसकी वजह से कंपनी ने कंटिन्यू बॉबी राजदूत ही नाम कंटिन्यू किया। और ये जो है WFM और GTS 175 पोलैंड का मॉडल है, और जो ये RD 175 है ना वो इंडियन मॉडल है। ये सर ज़्यादा चोरी होता था मतलब वो, और इसके ऊपर ज़्यादा एवरेज मतलब ज़्यादा वेट होता था ना, मतलब कितने हाँ वजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से भागती थी। और उधर ये सब बजाज का कलेक्शन है, बजाज की स्कूटी है और वो बजाज का स्कूटर। राजदूत की दमदार सवारी, जानदार सवारी। ये भी मालूम होगी सर आपको। ये जो है बेटा कुछ है, जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके ऊपर इंस्पायर होके वो मैंने शक्ति पुछ बोला था ना वो निकाली। ये जो है विलियर से और दूसरे वॉर में यूज किया था, वॉर टू हाँ, तो इसका रेड कलर क्यों दिया गया था, क्योंकि ये पोस्टमैन का काम करती थी, इसके वजह से इसके ऊपर फायरिंग वगैरह होती नहीं थी। और इसको दो साइलेंसर थे, एक डमी साइलेंसर एक ओरिजिनल साइलेंसर। डमी साइलेंसर पे सोल्जर खड़े रहते थे और फायरिंग करते थे। ये जो है मैचलेस है, हमारे म्यूजियम का सबसे ओल्ड वाला मॉडल है, ये 1930 का मॉडल है सर, और है ना 350 cc का इंजन है सर इसका, और 250 से ज़्यादा इसका वेट है, इसकी वजह से इसको दो स्टैंड दिए गए हैं। पहले एक सोल्जर एक हैंडल करता था, अभी दो लोग अलग लगते हैं, पीछे का स्टैंड किया तो आगे का स्टैंड करने के लिए दूसरा। और ये जो है अवंती की स्पोर्ट्स बाइक है छोटे बच्चों के लिए, सो क्यूट। ये सभी दिख रहे हैं वो TVS के मोपेड से, 1990 का मॉडल है। और ऐसे एक वॉल्यूम है और ऐसे सेट आते हैं। अब इधर है क्या? अब इधर है? हाँ सेलिंग के लिए। Okay, so that's it for now. Remember to subscribe, like and share my videos. Thank you.
much for watching. Bye. Hi, this is me, Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.